दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। क्या मेरी तरह आपको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जिंदगी कुछ ठहर सी गई है? पता नहीं, अंदर से एक ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे कि क्यों सब कुछ थम गया है, रुक सा गया है। और अगर ऐसा है तो मैं आपको पहले इसकी वजह बताता हूं। देखिए, शनि देव वक्री चल रहे हैं, शनि शनि बहुत स्लो चलने वाले ये प्लैनेट है और ये पीछे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन आगे की तरफ बढ़ने के लिए कहीं तो रुकना पड़ता है। और आप जानते हैं कि 23 तारीख को शनि मार्गी हो रहे हैं, तो ये और शनि देव इतने स्लो चलते हैं कि बहुत ही स्लो स्पीड में हैं। और एक जगह पे आके कि वो पहले ठहरेंगे, इसको हम कहते हैं स्टेशनरी डायरेक्ट, यानी कि पहले वो रुकेंगे और उसके बाद वो आगे चलेंगे। तो वो जो रुकना है वो आज से शुरू हो चुका है, वो स्टेशनरी हो चुके हैं, इसीलिए ना वो आगे बढ़ रहे हैं ना वो पीछे है, तो जैसे कि जिंदगी थम सी गई है। और इसीलिए हम सभी को ऐसा लगेगा, और मैं चाहूँगा कि अगर ऐसा आपको आभास हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान मतलब मेडिटेशन कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आने वाला सूर्य ग्रहण भी एक नई ऊर्जा आप में पैदा करेगा, और मैं चाहता हूँ कि धनतेरस, दिवाली, छोटी दिवाली आप मनाएं, खुश रहें। और शनि देव मार्गी हो रहे हैं कर्म भाव में, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अब तक जिंदगी में ठहरी हुई थी, अब उसका संचारण हो रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रही है, कर्म आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हम सभी को इस चीज़ का अनुभव अच्छी तरह से पॉजिटिवली लेना आवश्यक है। मेरी तरफ से मेरे सभी व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाला साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे, आपकी जितनी इच्छाएं हैं वो पूरी हो, और हम एक नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करें, बाकी फल ऊपर वाले के हाथ में हैं। एक बार फिर आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।